लोग आपकी आत्मा की चिंता करते हैं तो लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। सिर्फ वो भगवान से जुड़ेंगे उसके साथ साथ यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। जहां तक भगवान के चरणों में आता हूं मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहां पर? मैं कुछ नहीं मांगता। पुजारी जी कह रहे थे कि और ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। बाबा भोलेनाथ न सिर्फ भारत के, पूरी मानव जाति के सुख समृद्धि कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद बने रहे। मैं आप लोगों का भी आभारी हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि चुनाव में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों पर कितना प्रेशर रहता है और कितना फिजिकल स्ट्रेन भी रहता है। और मई जून के चुनाव लेने तो अपने आप में बड़े कठिन होते हैं, उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल करके यहां पहुंचे। आपके माध्यम से उत्तराखंड को और केदारनाथ को जरूर लाभ होगा कि लोगों को विश्वास बढ़ेगा भी। आप केदारनाथ में उस आपदा के बाद काफी व्यवस्थाएं हो गई हैं, आप आराम से जा सकते हैं, कुछ समय यहां बिता सकते हैं। तो एक प्रकार से आपके यहां आने से उत्तराखंड को लाभ हुआ है, उनके यात्रा विकास को लाभ हुआ है और देशवासियों को भी लाभ हुआ है आपके आने के कारण। क्योंकि खबरें पहुंचेगी तो लोगों को लगेगा चलो भाई इस बार छुट्टियों में दुबई सिंगापुर की बजाय केदारनाथ चले जाए। और मैं भी चाहता हूं मेरे देश के लोग सिंगापुर दुबई भले जाए, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मेरे देश में भी बहुत कुछ देखने जैसा है, जाना आना शुरू करें। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी कोई कष्ट न हो, आराम से अपने यहां स्थान पर वापस पहुंचे। ईश्वर आपकी कृपा करे। गरुड़ गरुड़ चट्टी में आपको तीन बार इतने सालों बाद सर याद ताजा अभी से मंत्री यहां पर जारी जी करते हैं। दूसरा ही चुनाव है क्या? आपको तीस लोग आपकी आत्मा की चिंता करते हैं तो लोग भी उसमें सहयोग करेंगे। सिर्फ वो भगवान से जुड़ेंगे उसके साथ साथ यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। जहां तक भगवान के चरणों में आता हूं मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहां पर? मैं कुछ नहीं मांगता। ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। जी भगवान केदारनाथ, बाबा भोलेनाथ न सिर्फ भारत के, पूरी मानव जाति के सुख समृद्धि कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद बने रहे। मैं आप लोगों का भी आभारी हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि चुनाव में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों पर कितना प्रेशर रहता है और कितना फिजिकल स्ट्रेन भी रहता है। और मई जून के चुनाव लेने तो अपने आप में बड़े कठिन होते हैं,
उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल करके यहां पहुंचे। आपके माध्यम से उत्तराखंड को और केदारनाथ को जरूर लाभ होगा कि लोगों को विश्वास बढ़ेगा भी अब केदारनाथ में उस आपदा के बाद काफी व्यवस्थाएं हो गई है, आप आराम से जा सकते हैं, कुछ समय यहां बिता सकते हैं। तो एक प्रकार से आपके यहां आने से उत्तराखंड को लाभ हुआ है, उनके यात्रा विकास को लाभ हुआ है और देशवासियों को भी लाभ हुआ है आपके आने के कारण, क्योंकि ये खबरें पहुंचेगी तो लोगों को लगेगा चलो भाई इस बार छुट्टियों में दुबई सिंगापुर की बजाय केदारनाथ चले जाए। और मैं भी चाहता हूं मेरे देश के लोग सिंगापुर दुबई भले जाए, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मेरे देश में भी बहुत कुछ देखने जैसा है, जाना आना शुरू करें। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी कोई कष्ट न हो, आराम से अपने यहां स्थान पर वापिस पहुंचे। ईश्वर आपकी कृपा करे। जरूर जरूर चलती प्रधानमंत्री जारी जी करते हैं, दूसरा ही चुनाव है क्या आपको तीस लोग आपकी यात्रा की चिंता करते हैं तो लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। सिर्फ वो भगवान से जुड़ेंगे, उसके साथ साथ यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। जहां तक भगवान के चरणों में आता हूं, मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहां पर? मैं कुछ नहीं मांगता जी कह रहे थे, और मांगने की प्रवृत्ति से मैं सहमत भी नहीं, क्योंकि उसने तो आपको मांगने योग्य नहीं बनाया। ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए, और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। केदारनाथ बाबा भोलेनाथ न सिर्फ भारत के, पूरी मानव जाति के सुख समृद्धि कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद बने रहे। मैं आप लोगों का भी आभारी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि चुनाव में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों पर कितना प्रेशर रहता है और कितना फिजिकल स्ट्रेन भी रहता है, और मई जून के चुनाव लेने तो अपने आप में बड़े कठिन होते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल करके यहां पहुंचे। आपके माध्यम से उत्तराखंड को और केदारनाथ को जरूर लाभ होगा कि लोगों को विश्वास बढ़ेगा भी अब केदारनाथ में उस आपदा के बाद काफी व्यवस्थाएं हो गई है, आप आराम से जा सकते हैं, कुछ समय यहां बिता सकते हैं। तो एक प्रकार से आपके यहां आने से उत्तराखंड को लाभ हुआ है, उनके यात्रा विकास को लाभ हुआ है और देशवासियों को भी लाभ हुआ है आपके आने के कारण, क्योंकि खबरें पहुंचेगी तो लोगों को लगेगा चलो भाई इस बार छुट्टियों में दुबई सिंगापुर की बजाय केदारनाथ चले जाए। और मैं भी चाहता हूं मेरे देश के लोग सिंगापुर दुबई भले जाए, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मेरे देश में भी बहुत कुछ देखने जैसा है, जाना आना शुरू करें। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी कोई कष्ट न हो, आराम से अपने यहां स्थान पर वापिस पहुंचे। ईश्वर आपकी कृपा करे। जरूर जरूर चलती प्रधानमंत्री जारी जी करते हैं, दूसरा ही चुनाव है क्या आपको तीस लोग आपकी यात्रा की चिंता करते हैं तो लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। सिर्फ वो भगवान से जुड़ेंगे, उसके साथ साथ यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। जहां तक भगवान के चरणों में आता हूं, मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहां पर? मैं कुछ नहीं मांगता।
ऐसी जगह पे जाकर के ईश्वर ने देने योग्य उसको जो क्षमता दी वो उसने समाज देवता को देनी चाहिए। और समाज देवता, अध्यात्म देवता, उसका मिलन निरंतर बना रहता है। शिवजी भगवान केदारनाथ बाबा भोलेनाथ न सिर्फ भारत के, पूरी मानव जाति के सुख समृद्धि कल्याण के लिए उनके आशीर्वाद बने रहे। मैं आप लोगों का भी आभारी हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि चुनाव में पत्रकारिता के क्षेत्र में काम करने वालों पर कितना प्रेशर रहता है और कितना फिजिकल स्ट्रेन भी रहता है, और मई जून के चुनाव लेने तो अपने आप में बड़े कठिन होते हैं। उसके बावजूद भी आप लोग समय निकाल करके यहां पहुंचे, आपके माध्यम से उत्तराखंड को और केदारनाथ को जरूर लाभ होगा कि लोगों को विश्वास बढ़ेगा भी अब केदारनाथ में उस आपदा के बाद काफी व्यवस्थाएं हो गई है, आप आराम से जा सकते हैं, कुछ समय यहां बिता सकते हैं। तो एक प्रकार से आपके यहां आने से उत्तराखंड को लाभ हुआ है, उनके यात्रा विकास को लाभ हुआ है और देशवासियों को भी लाभ हुआ है आपके आने के कारण, क्योंकि खबरें पहुंचेगी तो लोगों को लगेगा चलो भाई इस बार छुट्टियों में दुबई सिंगापुर की बजाय केदारनाथ चले जाए। और मैं भी चाहता हूं मेरे देश के लोग सिंगापुर दुबई भले जाए, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन मेरे देश में भी बहुत कुछ देखने जैसा है, जाना आना शुरू करें। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी कोई कष्ट न हो, आराम से अपने यहां स्थान पर वापिस पहुंचे। ईश्वर आपकी कृपा करे। जरूर जरूर चलती है, आपको पता चलेगा तीन बार इतने सालों बाद सर याद ताजा अभी से मंत्री यहाँ पर जारी जी करते हैं। दूसरा ही चुनाव है क्या आपको तीस दोबारा लोग आपकी यात्रा की चिंता करते हैं तो लोग भी इसमें सहयोग करेंगे। सिर्फ वो भगवान से जुड़ेंगे, उसके साथ साथ यहाँ के जो काम करने वाले लोग हैं, व्यवस्था करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे। जहां तक भगवान के चरणों में आता हूं मैं कभी कुछ मांगता नहीं। आपने जीत की कामना नहीं की यहां पर? मैं कुछ नहीं मांगता। उसने तो आपको